दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में भी पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पर है और खास तौर पर बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा सोनीपत बस डिपो की 48 बसें बैन कर दी गई हैं, यानी कि सोनीपत और गोहाना से जो है करीबन 48 बसें जो हैं अब दिल्ली में नहीं जा सकेंगी। BS4 की बसों को बंद कर दिया गया है, यह नियम जो है आज से ही लागू कर दिया गया है। खास तौर पर बात करें तो अलग अलग रूट पर जो है सोनीपत से दिल्ली, जयपुर और आगरा के लिए बसें जाती थी, लेकिन अब बढ़ते हुए पोल्यूशन के चलते सोनीपत में जो है करीबन 48 बसें अब दिल्ली में नहीं जा सकेंगी। हालांकि 20 B6 की बसें जो हैं उनका संचालन अब किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से करीबन 48 बसों का एकदम संचालन बंद होना कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए दिक्कत भरा जरूर होगा। इसके लिए हालांकि प्रशासन ने प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जो है अन्य बसें दिल्ली के लिए भेजी जाएं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण लगातार लोगों के लिए चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।